गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ हिंदी का। तो फर्स्ट बीट आपका आएगा, देखिए वर्णमाला में पहले स्वर रहता है, फिर व्यंजन रहता है, उसके बाद संयुक्त अक्षर रहता है। तो आपको सबसे पहले जो है स्वर लिखना रहेगा। स्वर कौन सा है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, आह, ये स्वर होता है, ठीक है। उसके बाद आपके बुक में हेडिंग लिखा हुआ है व्यंजन। हाँ, का से लेके हार तक जो अक्षर आते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। और छत्रिज्ञा जो है ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट सबसे पहले स्वर लिखने हैं, हेडिंग में स्वर आपको आ से लेके आह तक लिखना है। फिर सेकंड बिट होगा व्यंजन, वर्णमाला में आए व्यंजन को लिखिए। तो व्यंजन लिखना है आपने, व्यंजन में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। बस हाथ तक लिखना है, का से लेके हाथ तक जो अक्षर आते हैं वो व्यंजन होते हैं। आपको सेकंड बीट में एक फर्स्ट बीट का बी पार्ट में आपको व्यंजन लिखने हैं। फिर थर्ड बीट सी, फर्स्ट का सी बीट, उसमें मैंने कुछ फिल अप द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने अक्षर लिखे हैं, अक्षर एक अक्षर लिखा, उसके बाद गैप दी, खाली जगह छोड़िए, फिर दूसरा अक्षर लिखा है, फिर उसके बाद मैंने खाली जगह छोड़ी है, फिर अक्षर लिखा है, फिर मैंने इस तरह करके मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति दी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति जैसे का डैश, गा डैश, अंगा, इस तरह करके दिए, चा डैश, जा डैश, यहाँ टा डैश, टा डैश ना, ता डैश, दा डैश ना, पा डैश, पा डैश मा, ये मैंने दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। फिर दो अक्षरों से बनने वाले शब्द, अक्षर को दो अक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो आपने लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं। अब जैसे माठा मठ, ताना तन, काला कल, खागा खग, गाजा गज, इस तरह करके आपको दो अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। फिर बिट आता है बी, इसमें आपको 3 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। कितने अक्षर वाले लिखने हैं? 3 अक्षर, 3 अक्षरों को जोड़ करके जो शब्द बनता है वो लिखने हैं। जैसे कलम, कलम, मगर, मगर, हाँ, मटक, मटक, कलश, कलश, हाँ, कमल, कमल, इस तरह आपको 3 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। फिर मैंने आपको दिया है खाली जगह भरो। अब जो मैंने शब्द दिए हैं उसमें आपने ऐसा शब्द जोड़ना है जिससे शब्द बने, ऐसा अक्षर उसमें जोड़ना है कि जिससे वह शब्द बन जाए। हाँ, तो जैसे फाला फल होता है, ठग ठग होता है, सड़क का सड़क होता है, ऐना का ऐनक होता है, इस तरह करके आपने अक्षर जोड़ करके ऐसा अक्षर मिलाना है जिससे वह शब्द बन जाए। फिर आपका गलत शब्दों को सही करो। मैंने कुछ शब्द जो है हेर फेर करके लिखा है, आगे पीछे करके लिखा है, आप उसको जोड़ करके सही शब्द बनाओगे। हाँ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रा गा मा, इसको सही करोगे तो पहले क्या आएगा? मा ग र, क्या बन गया? मगर। कड़ा सा, यानी सड़क, इस तरह करके शब्द दिए रहेंगे
हाँ वो जंबल शब्द रहेंगे, उसको आपने सही करके सही शब्द बनाना है। तो बच्चों इस तरह आपको जो है ये जितना मेरे पास अभी मेरे पास था उतना मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।